नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC एग्जाम प्रिपरेशन पर। दोस्तों, हरियाणा पुलिस का जो परीक्षा जो 7 और 8 अगस्त को होने जा रही है, उसके लिए आज हम जो प्रमुख धाराएं जो हरियाणा पुलिस के परीक्षा में पूछ जाती है, लगभग जो धाराएं पूरी परीक्षा में पूछ जाएंगी, ये धाराएं आज हम करने की कोशिश करेंगे। जो हरियाणा पुलिस से संबंधित जो भी 10 से 12% या 15 से 20% जो भी परीक्षा में पूछ जाएंगे, वो लगभग क्वेश्चन आज हम एक वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, जो हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस किस अधिनियम के तहत लागू हुई थी, यानी कि जो हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस जो पुलिस का जनक किसे माना जाता है, पहले तो यही क्वेश्चन आएगा कि पुलिस का जनक किसे माना जाता है। जो पुलिस का जनक रहेगा वो रहेगा कॉर्नवालिस। कौन रहेगा साथियों? लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो पुलिस का जनक पूछा जाए, पुलिस का जो जनक रहेगा वो रहेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये परीक्षा में ये प्रश्न आता है, जो हरियाणा जो पुलिस थी, जो पुलिस की लागू पुलिस किसने लागू की थी, जो लागू की गई थी, जो हरियाणा पुलिस जो अधिनियम था, जो आईपीसी की धारा थी, जो लागू की गई थी, जो लागू की थी, वे की थी लॉर्ड मैकाले। जो धारा रहेगी वे किसने लागू की थी साथियों? जो आईपीसी की धारा थी वे लागू की थी लॉर्ड मैकाले ने। उसके बाद हम पढ़ेंगे हरियाणा पुलिस अधिनियम, हरियाणा पुलिस, हरियाणा पुलिस अधिनियम, हरियाणा पुलिस अधिनियम का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? इसका गठन हुआ था अधिनियम 25/2007। हरियाणा पुलिस का अधिनियम कौन सा रहेगा? अधिनियम रहेगा 25। इसके तहत हरियाणा पुलिस का गठन किया गया कब किया था साथियों? 2007 में हरियाणा पुलिस का गठन किया गया था अधिनियम 25 के तहत। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो ये अधिनियम लागू किया गया था, ये किया गया था 2007, और इसे राज्यपाल से सहमति कब मिली थी? राज्यपाल से सहमति जो राज्यपाल से सहमति मिली थी, वो मिली थी साथियों 28 मई 2008। जो हरियाणा पुलिस अधिनियम 25 लागू हुआ था, बनाया गया था 2007, और इसे राज्यपाल से सहमति मिली थी 28 मई 2008। और जो ये हरियाणा पुलिस अधिनियम लागू कब किया गया था? लागू किया गया था साथियों 1 नवंबर 2008। लागू पूछा जाए तो लागू कब किया था? 1 नवंबर 2008 को हरियाणा पुलिस अधिनियम 25 लागू कर दिया गया था। उसके बाद आगे बताएगा कि हरियाणा पुलिस अधिनियम में कुल कितने अध्याय रहेंगे साथियों? जो हरियाणा पुलिस अधिनियम रहेगा, इसमें कुल अध्याय रहेंगे साथियों हमारे 10 रहेंगे। कितने रहेंगे साथियों? कुल अध्याय हरियाणा पुलिस अधिनियम में कुल अध्याय रहेंगे 10, और कुल धाराएं पूछी जाए तो कितनी रहेंगी? कुल धाराएं रहेंगी 96 धाराएं। परीक्षा में प्रश्न ये बताएगा कि हरियाणा पुलिस अधिनियम के तहत कितनी धाराएं, हरियाणा पुलिस अधिनियम के तहत धाराएं रहेंगी 96 धाराएं, और अध्याय रहेंगे साथियों 10। और हरियाणा पुलिस का जो डे है वो कब बनाया था? हरियाणा पुलिस डे, ये बता सकता है पुलिस डे कब बनाया जाता है? पुलिस डे कब मनाया जाता है साथियों? पुलिस डे मनाया जाता है 21 अक्टूबर। पुलिस की परीक्षा देने जा रहे हैं तो पुलिस की परीक्षा में पुलिस डे का पूछा जा सकता है। पुलिस डे मनाया जाता है 21 अक्टूबर। और ये पूछा जा सकता है कि महिला पुलिस दिवस क्या रहेगा साथियों? महिला पुलिस दिवस कब मनाया जाएगा? महिला पुलिस दिवस मनाया जाएगा 16 अगस्त। महिला पुलिस दिवस 16 अगस्त को मनाया जाता है महिला पुलिस दिवस। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुलिस शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा रहेगा? पुलिस शहीदी दिवस रहेगा 31 अक्टूबर। कब रहेगा साथियों? 31 अक्टूबर। जो हरियाणा पुलिस था, जो पुलिस का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और जो आईपीसी की धारा जो पुलिस जो अधिनियम लागू किया था वो किया था लॉर्ड मैकाले ने। और जो हरियाणा पुलिस का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? अधिनियम 25 के तहत हरियाणा पुलिस का गठन 2007 में किया गया था। और जो इस अधिनियम को राज्यपाल से सहमति मिली थी वो मिली थी 28 मई 2008। और उसके बाद राज्यपाल से सहमति मिलने के बाद ये हरियाणा में लागू कब किया गया था? लागू किया गया था 1 नवंबर 2008 को। और इसमें कुल अध्याय रहेंगे हरियाणा पुलिस अधिनियम अध्याय रहेंगे 10, और कुल धाराएं रहेंगी 96। और उसके बाद आगे बढ़ा साथियों पुलिस डे, यानी कि पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? पुलिस दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर पुलिस दिवस।
और महिला पुलिस दिवस को ज्यादा तो महिला पुलिस दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त और पुलिस शहीदी दिवस है पुलिस शहीदी दिवस को ज्यादा तो पुलिस शहीदी दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर। इसके बाद आगे बात करेंगे साथियों हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 में अध्याय गुजरात अध्याय थे 10 और दो मेन मन अध्याय रहेंगे उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले रहेगा हमारा अध्याय दो जो हरियाणा पुलिस अधिनियम का अध्याय दो रहेगा उसके अंदर किस चीज का वर्णन किया गया है। इसके अंदर पुलिस का संविधान व संगठन यानी कि प्रत्येक राज्य में एक पुलिस गठन किया जाएगा यानी कि पुलिस संविधान का वर्णन किस अध्याय में मिलता है। पुलिस संविधान व पुलिस गठन का वर्णन मिलता है वो मिलता है हरियाणा पुलिस अधिनियम के अध्याय नंबर 2 में। उसके बाद अगला अध्याय रहेगा अध्याय 3। क्या रहेगा साथियों अध्याय तीन में क्या रहेगा। अध्याय तीन में रहेगा पुलिस का प्रशासन यानी कि पुलिस का अधीक्षण व प्रशासन यानी कि पुलिस को किस प्रकार क्या करना है। यह रहेगा पुलिस का अधीक्षण व प्रशासन अध्याय 1। अध्याय 2 रहेगा साथियों जो पुलिस संविधान है पुलिस संविधान के बारे में बताएगा हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 का अध्याय 2 और अध्याय 3 बताएगा पुलिस का अधीक्षण व पुलिस का प्रशासन। उसके बाद अगला अध्याय रहेगा अध्याय 6। क्या रहेगा साथियों अध्याय 6 में क्या बताया गया है यानी कि पुलिस का कार्य का वर्णन और उसकी जिम्मेदारी का उल्लेख किया गया है अध्याय 6 में यानी कि पुलिस का कार्य कर्तव्य व जिम्मेदारी अध्याय 6 बताएगा पुलिस का कार्य कर्तव्य वह पुलिस की जो जिम्मेदारी रहेगी उनके बारे में। उसके बाद आगे रहेगा अध्याय नंबर 7। अध्याय 7 में रहेगा पुलिस के लिए रेगुलेशन कंट्रोल एंड डिसिप्लिन यानी कि जो पुलिस रहेगी वो रेगुलेशन और कंट्रोल ये सभी नियमों का पालन करेगी। पुलिस जो अध्याय 7 रहेगा वो रहेगा पुलिस अधिनियम यानी कि कंट्रोल रेगुलेशन कंट्रोल और डिसिप्लिन यानी कि पुलिस को रेगुलेशन कंट्रोल और डिसिप्लिन सभी चीजों का पालन करना। पुलिस रेगुलेशन यानी कि नियंत्रण कंट्रोल रेगुलेशन कंट्रोल एंड डिसिप्लिन यानी कि पुलिस का जो कर्तव्य रहेगा वो क्या रहेगा यानी कि नियंत्रण और अनुशासन शांति को बनाए रखने का कर्तव्य रहेगा अध्याय 7 पुलिस का। उसके बाद अगला अध्याय रहेगा अध्याय 8। क्या रहेगा साथियों अध्याय आठ रहेगा पुलिस की जवाबदेही। क्या रहेगा साथियों पुलिस की जवाबदेही यानी कि हम बोल सकते हैं अकाउंटेबिलिटी। पुलिस की जवाबदेही किस अनुच्छेद किस अध्याय में रहेगी साथियों पुलिस की अकाउंटेबिलिटी यानी कि जो पुलिस की जवाबदेही रहेगी वो रहेगी अध्याय 8। उसके बाद अगला अध्याय रहेगा अध्याय 9। अध्याय 9 में क्या बताया गया है यानी कि जो पुलिस होती है यानी पुलिस को जो दंड की प्रक्रिया होती है यानी पुलिस का दंड यानी कि जो पुलिस दंड दे सकती है वो किस अध्याय में बताया गया है यानी कि हरियाणा साक्ष्य अधिनियम 2007 के अध्याय 9 में पुलिस के दंड का वर्णन किया गया है। उसके बाद हम आगे देखेंगे हरियाणा पुलिस अधिनियम के जो ये मेन अध्याय थे ये थे। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हरियाणा पुलिस अधिनियम की कुछ प्रमुख धाराएं रहेंगी जो कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है साथियों यहाँ से 10 से 12 नंबर का प्रश्न जो क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में यहाँ से रहेगा जो सिलेक्शन दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो एक बार दोबारा देखें साथियों जो हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 था जो इसका अध्याय 2 रहेगा अध्याय 2 में रहेगा पुलिस का संविधान व संगठन। उसके बाद अगला रहेगा अध्याय 3 में रहेगा पुलिस का प्रशासन या अधीक्षण यानी उसे कैसे प्रशासन करना है। अध्याय 6 रहेगा पुलिस के कार्य कर्तव्य व जिम्मेदारी। अध्याय सात रहेगा पुलिस के लिए जो रेगुलेशन कंट्रोल और डिसिप्लिन का काम रहेगा वो पुलिस को करना है। अध्याय 8 रहेगा पुलिस की जवाबदेही और जो अध्याय 9 रहेगा वो रहेगा पुलिस का जो दंड रहेगा वो। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हरियाणा पुलिस अधिनियम की कुछ प्रमुख धाराएं।
आगे बात करेंगे साथियों, हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 की कुछ प्रमुख धाराएं रहेंगी, जो मुख्य मुख्य धारा है जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, उन धाराओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था कि हरियाणा साक्षर अधिनियम में कितनी धाराएं रहेंगी 96, जो लगभग 10 से 12 धाराएं हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले रहेगी धारा 3, कौन सी रहेगी साथियों, धारा 3। धारा 3 में किस बात का उल्लेख किया गया है, हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 3 में पुलिस के गठन का उल्लेख किया गया है, कि धारा 3 में किस चीज का उल्लेख किया गया है, पुलिस का गठन, यानी कि प्रत्येक राज्य में यानी कि पुलिस बल अवश्य होना चाहिए, तो इस बात का उल्लेख इसमें किया गया, पुलिस का गठन का वर्णन किया गया है धारा 3। उसके बाद अगली धारा रहेगी धारा 5, क्या रहेगी साथियों, धारा 5 में क्या रहेगा, धारा 5 में रहेगा जो हरियाणा पुलिस के उच्च अधिकारी होते हैं, जैसे कि डीजीपी एजीपी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, यानी कि डीजीपी एजीपी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है धारा 5, हरियाणा साक्षर अधिनियम की धारा 5 रहेगी डीजीपी व एजीपी की नियुक्ति। उसके बाद अगली धारा रहेगी धारा 6, इसी से संबंधित रहेगी, धारा 6 क्या बताती है, जो डीजीपी और एजीपी का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल के बारे में बताती है, धारा 6 बताती है जो डीजीपी और एजीपी का कार्यकाल होता है उसके बारे में। उसके बाद आगे रहेगा धारा 9 क्या रहेगा साथियों, धारा 9 में बताया गया है लेकिन पुलिस रेंज का गठन होता है साथियों, जैसे कि यहाँ पर तो केवल यानी कि एक पुलिस का यदि पुलिस बल का गठन, पुलिस रेंज का मीनिंग होता है जैसे कि प्रत्येक जहाँ पे जो भी हमारे जो पुलिस बल रहेंगे, जैसे जो थाने रहेंगे, यानी पुलिस बल के जो केंद्र बनाए गए हैं, यानी कि जो संगठन रहता है पुलिस रेंज में बसा हो रहता है पुलिस रेंज, यानी कि पुलिस रेंज का गठन रहेगा हरियाणा साक्षर अधिनियम 2007 की धारा 9। उसके बाद आगे रहता है धारा 10, धारा 10 में किस चीज़ का उल्लेख बताया गया है, धारा 10 में बताया गया है पुलिस जिले, यानी कि प्रत्येक यानी पुलिस जिले जो हैं वो हरियाणा साक्षर अधिनियम धारा 10 के तहत बताए गए हैं, यानी कि हरियाणा पुलिस जिले बताए गए हैं। उसके बाद आगे रहेगा धारा 11 में क्या बताया गया है, जो पुलिस जिले हैं उसके बाद आगे आता है सब डिवीजन, धारा 11 में बताया गया है सब डिवीजन, धारा 3 में जो पुलिस बल होगा उसका गठन, धारा 5 डीजीपी व एजीपी की नियुक्ति, धारा 6 डीजीपी व एजीपी का कार्यकाल। उसके बाद अगली धारा रहेगी धारा 9, जिसमें क्या आ जाता है, पुलिस रेंज का गठन। उसके बाद अगली धारा रहेगी धारा 10, जिसमें पुलिस जिले के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद अगली धारा रहेगी धारा 11 सब डिवीजन। उसके बाद अगली धारा रहेगी धारा 12, कौन सी रहेगी साथियों, धारा 12 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, धारा 12 में जो हमारे पुलिस स्टेशन यानी कि जितने थाने हैं उनका वर्णन किया गया है, यानी कि पुलिस स्टेशन यानी पुलिस थानों का वर्णन किया गया है धारा 12 में। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी साथियों, परीक्षा में 100% पूछ जाएगी कि हरियाणा साक्षर अधिनियम 2007 की धारा 12 के अंदर किस चीज़ का उल्लेख किया गया है, जैसे कि हरियाणा में जितने पुलिस स्टेशन है उनका उल्लेख किया गया है धारा 12 के अंदर, और हरियाणा में कितने पुलिस स्टेशन रहेंगे, पुरुष पुलिस स्टेशन रहेंगे साथियों 294, और महिला पुलिस थाने कितने रहेंगे 34। महिला पुलिस थाने का भी कर सकती है, गुलाबी पुलिस थाने की शुरुआत हरियाणा के किस जिले से हुई थी, जो गुलाबी पुलिस थाना था, गुलाबी पुलिस थाने की शुरुआत हरियाणा के पंचकूला जिले से हुई थी, यानी गुलाबी पुलिस थाने की शुरुआत हरियाणा के पंचकूला जिले से हुई थी। और यही कि हरियाणा गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, हरियाणा का गुलाबी शहर रहेगा फतेहाबाद। उसके बाद अगली धारा रहेगी धारा 14, क्या रहेगी धारा 14 किस चीज़ रहेगी संबंधित रहेगी, ये रहेगी जिला प्रशासन से संबंधित कौन सी धारा रहेगी, ये रहेगी धारा 14। और धारा 15 किस चीज़ का वर्णन करती है, धारा 15 के अंदर हरियाणा रेलवे पुलिस का वर्णन किया गया है, यानी कि रेलवे पुलिस का वर्णन किस धारा के तहत रहेगा, धारा 15 के तहत रहेगा रेलवे पुलिस का वर्णन, धारा 14 में रहेगा जिला प्रशासन
और धारा 12 में रहेगा पुलिस स्टेशन, हरियाणा में पुलिस स्टेशन रहेंगे 294 और महिला पुलिस स्टेशन पूछे तो महिला पुलिस स्टेशन रहेंगे 34 और गुलाबी पुलिस थाने की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी, पंचकूला से हुई थी। उसके बाद जो धारा 3 थी, धारा 3 में जो पुलिस का गठन किया गया है उसके बारे में पढ़ा था और हरियाणा शासन अधिनियम की धारा 5 के तहत DGP व AGP की नियुक्ति के बारे में बात की गई है और धारा 6 के अंतर्गत जो DGP व AGP का कार्यकाल होता है इसके बारे में बताया गया है। जो धारा 9 रहेगी पुलिस रेंज का गठन और 9 के बाद धारा 10 रहेगी पुलिस जिले और धारा 11 में रहेंगे सब डिवीजन और धारा 12 में पुलिस स्टेशन व धारा 14 में जिला प्रशासन व धारा 15 रेलवे पुलिस का वर्णन किया गया है। उसके बाद आगे बात करेंगे साथियों, जो आज धारा रहेगी वो रहेगी धारा 18। कौन सी रहेगी साथियों? धारा 18। ये जो धारा रहेगी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी, यानी कि हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट धाराएं हैं, 96 धाराओं में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट धाराएं हैं वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आगे आती है धारा 18। धारा 18 में किस चीज़ का वर्णन बताया गया है? धारा 18 में जैसे कि पुलिस में लगने के बाद जो ट्रेनिंग की जाती है, यानी कि पुलिस ट्रेनिंग का वर्णन, यानी पुलिस ट्रेनिंग का वर्णन किस हरियाणा पुलिस एक्ट के किस अधिनियम 2007 की किस धारा में किया गया है? तो धारा 18 में जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है उसका वर्णन किया गया है। आगे आता है धारा 19। धारा 19 में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है? धारा 19 में जो पुलिस ट्रेनिंग के दौरान जो शपथ ली जाती है, यानी कि पुलिस शपथ का वर्णन किया गया है धारा 19 में। धारा 19 में 18 में पुलिस की ट्रेनिंग रहेगी, 19 में पुलिस को शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद आगे आता है धारा 20। धारा 20 में पुलिस अधिकारी बनने के बाद जो ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जो हरियाणा पुलिस का सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप पुलिस में लग चुके हो, यानी कि धारा 20 के अंदर पुलिस का सर्टिफिकेट रहेगा धारा 20 के अंतर्गत हरियाणा पुलिस सर्टिफिकेट का वर्णन किया गया है। उसके बाद आगे रहेगा धारा 23 रहेगा कि जिले में कितनी आर्म्ड फोर्सेज और बटालियन फोर्सेज बनाई गई, यानी कि आर्म्ड फोर्सेज व बटालियन जो कि पुलिस बल का ही एक सेवा सदन रहेगा, इसका वर्णन किया गया है। आर्म फोर्सेज और बटालियन की व्याख्या किस धारा के अंदर की गई है? धारा 23 के अंतर्गत। उसके बाद अगली धारा रहेगी धारा 25। धारा 25 में क्या रहेगा साथियों? जो हरियाणा राज्य के लिए जो पुलिस कर्मचारी हैं उनका जो बोर्ड बनाया गया है उसका गठन रहेगा धारा 25 के अंतर्गत रहेगा हमारा राज्य पुलिस बोर्ड। क्या रहेगा? राज्य पुलिस बोर्ड धारा 23 के अंतर्गत रहेगा राज्य पुलिस बोर्ड। उसके बाद आगे रहेगा धारा 25 में क्या रहेगा साथियों? धारा 25 में था राज्य पुलिस बोर्ड और धारा 25 के बाद आगे आता है साथियों धारा 30। क्या आता है? धारा 30 में रहेगा जो पुलिस के जो कार्य बांटे गए हैं, यानी कि पुलिस के जो कार्य है उसका उल्लेख किस धारा में किया गया है? पुलिस के कार्य धारा 30 में पुलिस के कार्य बांटे गए हैं। धारा 25 राज्य पुलिस बोर्ड और धारा 30 में जो पुलिस के कार्य हैं उनका विभाजन किया गया है। उसके बाद आगे रहेगा धारा 51। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा साथियों, अब तक हमने पढ़ा तो धारा 18 रहेगी। धारा 18 के अंतर्गत पुलिस की ट्रेनिंग और धारा 19 के अंतर्गत जो पुलिस को शपथ दिलाई जाती है उसका वर्णन किया गया है। और उसके बाद धारा 20 के अंदर जो पुलिस को सर्टिफिकेट मिलता है उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद आगे रहेगा धारा 23 में आर्म्ड पुलिस और बटालियन का जिक्र किया गया है। उसके बाद आगे रहेगा धारा 25 राज्य पुलिस बोर्ड का गठन और उसके बाद आगे रहेगा धारा 30 में जो राज्य पुलिस के जो कार्य होते हैं उनका उल्लेख किया गया है। और उसके बाद आगे रहेगा धारा 51 में क्या किया गया है? धारा 51 में जो पुलिस होती है हमेशा ड्यूटी पे रहती है, यानी कि पुलिस कर्मचारी हमेशा यानी कि ड्यूटी पर माना जाता है, ऑलवेज ऑन ड्यूटी, यानी कभी भी किसी समय भी सरकार का फोन आने पर उसे ड्यूटी पर जाना पड़ेगा, जो पुलिस रहेगी ऑलवेज ऑन ड्यूटी रहेगी, इसका वर्णन किया गया है धारा 51 के तहत। उसके बाद अगली धारा रहेगी धारा 53। कौन सी रहेगी? धारा 53 दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी साथियों, परीक्षा में एक जरूर पूछी जाएगी। धारा 53 में क्या बताया गया है? धारा 53 में यह बताया गया है कि कोई भी जो सरकारी जो पुलिस अधिकारी होगा वो कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता, जैसे कि वो अन्यदर और भी कार्य नहीं कर सकता, यानी कि लाभ का पद
नहीं ले सकता, यानी कि वह कोई प्राइवेट काम भी नहीं कर सकता है। यानी कि इसका उल्लेख जा रहा है धारा 53 के अंतर्गत। धारा 53 के बाद अगली धारा रहेगी हमारी 75, यानी कि धारा 75 रहेगी, धारा रहेगी साथियों 75। धारा 75 के अंतर्गत इसी बात का उल्लेख किया गया है, धारा 75 के अंतर्गत साथियों जो पुलिस की जो ड्रेस होती है यदि उसका अनाधिकृत यूज नहीं किया जा सकता, यानी कि वर्दी का जो पुलिस की वर्दी होगा वर्दी का अनाधिकृत यानी कि उसका फालतू उपयोग नहीं कर सकता, अनाधिकृत उपयोग नहीं किया जा सकता, ये रहेगा धारा 75 के अंतर्गत अनाधिकृत उपयोग नहीं किया जा सकता। धारा 75 के बाद आगे रहेगा धारा 78। धारा 78 में किस चीज का वर्णन किया गया है, धारा 78 में यानी कि जो पुलिस जो कार्य होती है अपने कार्य में लापरवाही नहीं करेगी, यानी ग्रैंड कमांडिंग ये है साथियों जो पुलिस है लापरवाही का वर्णन यानी कि कार्य में लापरवाही नहीं बरतेगी, तो ये बताया गया है धारा 78। तो ये थी साथियों 96 में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट धारा रहेगी, जांच परीक्षा में जरूर प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये रहेंगी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ से 5 से 10 नंबर का जो शेड्यूल रहेगा, जो क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से जरूर कवर होने की कोशिश होगी साथियों। जो धारा 18 में जो पुलिस की ट्रेनिंग थी उसका उल्लेख किया गया था, धारा 19 में पुलिस ट्रेनिंग के बाद का वर्णन किया गया है, धारा 20 के अंदर में साथियों जो पुलिस का जो सर्टिफिकेट मिलता है उसका जिक्र किया गया है, धारा 23 में आर्म्ड फोर्सेज बटालियन का जिक्र किया गया है, धारा 25 के अंतर्गत राज्य पुलिस बोर्ड का गठन किया गया है, उसके बाद धारा 25 के बाद आगे रहेगा धारा 30 के अंदर राज्य पुलिस बोर्ड के जो कार्य है उनका जिक्र किया गया है, उसके बाद आगे रहेगा धारा 51 में जो पुलिस के जो का धारा 51 के अंतर्गत रहेगा पुलिस हमेशा जो ड्यूटी पे रहती है, पुलिस हमेशा ऑन में जो ड्यूटी, और धारा 53 में बताया गया है कि जो कोई भी कर्मचारी लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता। धारा 75 रहेगी जो उसे पुलिस की जो भर्ती होती है उसका यानी कि अनाधिकृत यानी गैर कानूनी उपयोग नहीं कर सकता, और धारा 78 में जो पुलिस होती है हमेशा यानी कि लापरवाही से कोई भी कार्य नहीं करेगी। इसके बाद आगे रहेगा साथियों 2-3 जो इम्पोर्टेंट जो गठन किए गए थे हरियाणा पुलिस से संबंधित रूल के बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले रहेगा राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, क्या रहेगा राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कहने का मीनिंग किसी के ऊपर कोई अपराध है, राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी जो अपराध के खिलाफ जो रिकॉर्ड है उसका जो गठन है यानी जो उसकी जो संस्था होती है उसका गठन कब किया गया था, इसका गठन किया गया था राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1987। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 1 अप्रैल 1987 इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी साथियों करनाल के मधुबन में, जहाँ पर हरियाणा पुलिस की ट्रेनिंग करवाई जाती है वो रहेगा मधुबन करनाल। जो हरियाणा अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1987। उसके बाद अगला रहेगा राज्य न्याय वैधिक विज्ञान शाला, कौन सी रहेगी राज्य न्याय वैधिक विज्ञान शाला, न्याय वैधिक विज्ञान शाला जो राज्य न्याय वैधिक विज्ञान शाला रहेगी ये भी रहेगी साथियों करनाल जिले में। लेकिन अगर ऑप्शन में करनाल ना है तो सबसे पहले इसकी स्थापना 1973 में की गई थी रोहतक जिले अंदर, कहाँ पे की गई थी रोहतक में की गई थी राज्य न्याय वैधिक विज्ञान शाला की स्थापना सबसे पहले की गई थी 1973, और 1976 में इसे करनाल के मधुबन में स्थापित कर दिया गया, यानी कहने का मतलब ये वर्तमान में कहाँ पे रहेगी, वर्तमान में रहेगी ये मधुबन करनाल, और मधुबन कहाँ पे रहेगा, मधुबन रहेगा साथियों करनाल। हरियाणा न्याय वैधिक विज्ञान शाला 1976 में इसकी स्थापना रोहतक से इसे मधुबन स्थानांतरित कर दिया गया था। उसके बाद अगला सेंटर रहेगा वो रहेगा हरियाणा में फिंगरप्रिंट ब्यूरो, हरियाणा में फिंगरप्रिंट ब्यूरो, फिंगरप्रिंट ब्यूरो यानी कहने का मतलब ये साथ है जिससे कि फिंगरप्रिंट यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टेस्ट किया जाता है, तो फिंगरप्रिंट ब्यूरो कहाँ पे रहेगा, फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना भी 1972 सबसे पहले 1972 में की गई थी रोहतक में स्थापना, और 1976 में इसे मधुबन स्थापित कर दिया गया, मधुबन कहाँ पे रहेगा, मधुबन रहेगा साथियों करनाल। जो हरियाणा राज्य हरियाणा फिंगरप्रिंट ब्यूरो है अब वर्तमान में रहेगा मधुबन करनाल, इसकी स्थापना 1976 में यानी कि रोहतक में 1972 में स्थापना की गई थी, 1976 में इसे रोहतक से करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया था। उसके बाद आगे रहेगा साथियों राज्य सतर्कता ब्यूरो, क्या रहेगा साथियों राज्य सतर्कता
ब्यूरो, यानी कि जो जो कठिनाई यानी कहने का मिल गया जो सतर्क रहने की जो यानी सतर्क रहने के लिए जो स्ट्रिक्ट रहने के लिए जो यानी पालन करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो यानी जो कठिन संगठन बनाया गया है वो कहाँ पे रहेगा, जो संगठन रहेगा ये रहेगा साथियों हमारा करनाल जिले में। और इस एक प्रश्न बताएगा इसकी स्थापना कब की गई, राष्ट्रीय स्वच्छता ब्यूरो की स्थापना की गई थी 1967 में, राष्ट्रीय स्वच्छता ब्यूरो की स्थापना की गई थी 1967 और 1978 में इसका नाम बदल कर कर दिया गया था साथियों SVB यानी स्टेट वेजिलेंस ब्यूरो। 1978 में इसी का नाम बदल कर कर दिया गया था SVB। SVB की फुल फॉर्म कुछ ज्यादा रखती है, SVB की फुल फॉर्म क्या रहेगी, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो रहेगी SVB की फुल फॉर्म। जो राज्य स्वच्छता ब्यूरो था इसकी स्थापना 1967 में की गई थी और सन 1978 में इसका नाम बदल कर कर दिया गया स्टेट विजिलेंस ब्यूरो। इसके बाद आगे बात करते हैं साथियों कम्युनिटी पुलिस यानी कि सामुदायिक पुलिस इनमें से बात करते हैं सामुदायिक कम्युनिटी का मतलब होता है सामुदायिक और पुलिस कम्युनिटी पुलिस। जो कम्युनिटी पुलिस है इसके जनक किसे कहा जाता है, जो कम्युनिटी पुलिस रहेगी इसके जनक कहा जाता है रॉबर्ट पिल्ली, जो इसके जनक रहेंगे रॉबर्ट पिल्ली। सामुदायिक पुलिस के जनक कौन रहेंगे साथियों, सामुदायिक पुलिस के जनक रहेंगे रॉबर्ट पिल्ली। और जो सामुदायिक पुलिस के जनक भारत में पूछा जाए तो भारत में इसके जनक कौन रहेंगे, भारत में इसके जनक रहेंगे साथियों के जयशंकर, यानी कि भारतीय जनक जो भारत में इसके जनक कौन रहेंगे यानी कम्युनिटी पुलिस के जो भारत में जनक रहेंगे वो कौन रहेंगे साथियों, वो रहेंगे के जयशंकर। ये प्रश्न परीक्षा में काफी बार पूछा गया साथियों, अभी भी यह पूछा जा सकता है सामुदायिक पुलिस जो है उसका जो जनक है वो किसे कहा गया है, उसका जनक माना जाता है रॉबर्ट पिल्ली को। और जो भारत का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है हमारे के जयशंकर को। उसके बाद आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, जो हरियाणा पुलिस में जो सॉफ्टवेयर यानी कि जो भी कार्य होते हैं जो हरियाणा पुलिस के संगठन द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं उसमें किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो प्रश्न ये रहेगा हरियाणा पुलिस थानों में चलने वाले सॉफ्टवेयर का क्या नाम रहेगा, यानी कि पुलिस थानों में चलने वाला सॉफ्टवेयर, पुलिस थानों में चलने वाला सॉफ्टवेयर परीक्षा में जरूर पूछा साथियों 100%। जो पुलिस थानों में चलने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा रहेगा, ये रहेगा साथियों CCTMS। कौन सा रहेगा पुलिस थानों में चलने वाला सॉफ्टवेयर रहेगा CCTMS। इस क्वेश्चन को लेना साथियों 100% परीक्षा में जरूर पूछ जाने की संभावना रहेगी, हरियाणा पुलिस थानों में चलने वाला सॉफ्टवेयर रहेगा CCTMS। और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, इसकी फुल फॉर्म रहेगी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। जो इसका क्या कार्य होता है, जो भी जो क्राइम वगैरह होते हैं उनकी जानकारी के लिए जो पुलिस वगैरह जो अपने पास मोबाइल फोन रखते हैं जो नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं वो नेटवर्क कौन सा रहेगा CCTMS। जो इसका उपयोग क्यों करता है, जो क्राइम के ऊपर जो प्रतिबंध है क्राइम के ऊपर थोड़ा क्राइम को दबाने के लिए इस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है CCTMS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। इसका उपयोग किया जाता है पुलिस थानों में चलने वाला सॉफ्टवेयर रहेगा ये क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। जो ये क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम रहेगा साथियों, जो इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसकी हरियाणा में शुरुआत की गई थी साथियों क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम इसकी शुरुआत की गई थी 1 जनवरी 2015 को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की शुरुआत हरियाणा के अंदर की गई थी। और पुलिस थानों में यूज होने वाला जो एकमात्र नेटवर्क रहेगा वो रहेगा CCTMS। और इस यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ये नेटवर्क था किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था, तो कंपनी का नाम रहेगा विप्रो कंपनी के द्वारा बनाया गया नेटवर्क रहेगा CCTMS, विप्रो कंपनी द्वारा बनाया गया
विप्रो कंपनी द्वारा सीसीटी एंड एच नेटवर्क सिस्टम बनाया गया। उसके बाद आगे मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथ में, दुर्गा शक्ति ऐप कब लॉन्च की गई थी? 12 जुलाई 2018। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। दुर्गा शक्ति ऐप कब की गई थी? दुर्गा शक्ति ऐप लॉन्च की गई थी साथियों 1 जुलाई 2018। 1 जुलाई 2018 को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2018। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, परीक्षा में 100% बनने की संभावना रहेगी। दुर्गा शक्ति ऐप कब लॉन्च किया गया था? 1 जुलाई 2018 को दुर्गा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया था। उसके बाद जो आगे रहेगी कुछ प्रमुख जो हरियाणा पुलिस की जो प्रमुख अकादमी रहेंगी वो रहेंगी साथियों, हरियाणा पुलिस की कुछ प्रमुख अकादमी। आगे बात करते हैं साथियों हरियाणा पुलिस अकादमी का गठन। आप सबको पता होगा हरियाणा पुलिस अकादमी का गठन 1976 में मधुबन करनाल, जो हरियाणा पुलिस अकादमी रहेगी वो कहाँ पे रहेगी साथियों? हरियाणा पुलिस अकादमी रहेगी मधुबन करनाल, और इसकी स्थापना कर दी गई थी मधुबन पुलिस अकादमी की स्थापना की गई थी साथियों 1976। उसके बाद जो अगला सेंटर रहेगा वो रहेगा हमारा RTC सेंटर, रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर। कौन सा रहेगा? रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ से ये जांच पड़ताल मिलती है कि हरियाणा में कितनी वैकेंसी और अन्य चीज़ें, जैसे रिक्रूटमेंट जो हमारे लिए निकलती है, रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर। इसकी फुल फॉर्म रहेगी RTC की फुल फॉर्म रहेगी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर। जो रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर था इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 14 मई 1973। कब की गई थी साथियों? रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई थी 14 मई 1973। और जो मधुबन ट्रेनिंग सेंटर, जो मधुबन अकादमी रहेगी उसकी स्थापना की गई थी 1976। रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई थी 14 मई 1973। उसके बाद अगला रहेगा PTS यानी कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल। कौन सा रहेगा साथियों? पुलिस ट्रेनिंग स्कूल। जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल रहेगा, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल PTS पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी साथियों 9 जनवरी 1976। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की गई थी 9 जनवरी 1976। रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर 14 मई 1973 और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल 9 जनवरी 1976। उसके बाद आगे रहेगा साथियों हमारा HPA हरियाणा पुलिस अकेडमी। कौन सा रहेगा साथियों? हरियाणा पुलिस अकादमी की स्थापना कब की गई थी साथियों? हरियाणा पुलिस अकादमी की स्थापना की गई थी 24 अप्रैल 2002 को की गई थी साथियों हरियाणा पुलिस अकेडमी की स्थापना 24 अप्रैल 2002। जो ये रहेगी साथियों हरियाणा पुलिस, जो मधुबन जो अकेडमी रहेगी उसकी स्थापना 1976, और ये भी रहेगी हरियाणा पुलिस अकेडमी, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा 1976 या 2002। तो हरियाणा पुलिस अकेडमी की स्थापना की गई थी 24 अप्रैल 2002। उसके बाद आगे रहेगा नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की स्थापना कब की गई थी? नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की स्थापना की गई थी साथियों 2 जुलाई 2013। कब की गई थी? नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की स्थापना की गई थी 2 जुलाई 2013। उसके बाद आगे रहेगा कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट पुलिसिंग। जो ये कंसेप्ट रहा साथियों, ये रहा था हमारा असम, जो कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट पुलिसिंग कहाँ से अपनाया गया था? कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट पुलिसिंग अपनाया गया था असम से। जो प्रक्रिया आई थी कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट पुलिसिंग की प्रक्रिया असम से अपनाई गई थी, और ये कब अपनाई गई थी? ये अपनाई गई थी 20 नवंबर 2014 रहेगी साथियों 20 नवंबर
2014 और ये कहाँ पे रहेगी, ये रहेगी असम से अपना ये प्रक्रिया रहेगी। 30 नवंबर 2014 को गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी शहर से हरियाणा पंजाब टॉप समाज फाउंडेशन अकेडमी की जो प्रक्रिया ली गई थी 30 नवंबर 2014 को असम के गुवाहाटी शहर से। आगे रहेगा साथियों पीटीसी यानी कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे रहेगा साथियों? पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रहेगा करनाल मधुबन। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई थी 1 मई 1976 को करनाल जिले के मधुबन शहर में। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना 1 मई 1976 को की गई थी। उसके बाद आगे रहेगा साथियों जो ट्रैफिक पुलिस रहेगी, ट्रैफिक पुलिस की स्थापना, ट्रैफिक पुलिस का मुख्यालय रहेगा करनाल। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी साथियों 1 जनवरी 2000 को की गई थी। ट्रैफिक पुलिस जो मुख्यालय रहेगा इसकी स्थापना 1 जनवरी 2000 को हरियाणा के करनाल जिले में की गई थी। उसके बाद आगे रहेगा साथियों एक पद रहेगा क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी का मीनिंग क्या होता है साथियों? जैसे शब्द क्रिमिनोलॉजी, लॉजी शब्द का मीनिंग होता है साथियों स्टडी, यानी कि किसी भी चीज के बारे में स्टडी। और क्राइम, क्राइम का मीनिंग आपको पता है साथियों, जो क्राइम यानी जो वगैरह जो दंगे वगैरह के जो हालात होते हैं, जो हमारे केस आते हैं, क्रेन का मीनिंग होगा साथियों। क्रिमिनोलॉजी का मीनिंग क्या होगा? ये होगा स्टडी ऑफ केसिंग, यानी क्रेन का मीनिंग स्टडी ऑफ जो हमारे जो पुलिस अधिनियम के जो भी केस वगैरह होते हैं सभी का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या होता है? क्रिमिनोलॉजी स्टडी ऑफ केस। और इसके जो फादर को जाता है क्रिमिनोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? क्रिमिनोलॉजी के पिता रहेंगे साथियों सीजर बैकरिथ। कौन रहेंगे इसके पिता? रहेंगे इनके जनक रहेंगे सीजर बैकरिथ। क्रिमिनोलॉजी की जो स्टडीज के अंदर जो केस वगैरह होते हैं उनकी स्टडी की जाती है, जो क्रिमिनोलॉजी के पिता रहेंगे वो रहेंगे सीजर बैकरिथ। तो दोस्तों ये थी जो हरियाणा पुलिस का जो अधिनियम था 2007 का, इसके बारे में ये लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद कोई प्रश्न बढ़ने की संभावना नहीं रहेगी। इसके बाद हम अगली वीडियो में कवर करेंगे जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रहेगा यानी कि सीआरपीसी व आईपीसी की धारा, वे अगली वीडियो में हम कवर करने की लगभग कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।